तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मोबाइल का डेटा बहुत जल्द खत्म हो जाता है, सिम खत्म होने से पहले ही मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि 90% डेटा पूरा हो चुका है या 100% डेटा पूरा हो चुका है, तो आप परेशान होते हैं कि डेटा खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करते ही आपका भी डेटा पूरा दिन चलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वसीम टेक सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह कंटेंट लेकर आता रहता हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बिना मतलब का जो डेटा आपका जो ड्रेन हो रहा है आपके मोबाइल से, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फालतू तरह का कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने कुछ सेटिंग्स किया हुआ है फ्रेंड, जिसके वजह से मेरे मोबाइल पे कोई भी फालतू के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे नहीं आते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके मोबाइल पे दुनिया भर का आपका नोटिफिकेशन आता है, उसी में आपका 50-60 MB जो है आपका डेटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कि आपको सबसे पहले सारे नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना है। बात करते हैं दूसरे ट्रिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर देखिए, मैंने हॉटस्पॉट जो है मैंने ऑन कर दिया है। अब ये हॉटस्पॉट जो है ये आपका जो डेटा है वो ड्रेन करता है फ्रेंड्स, आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप इस हॉटस्पॉट को आप ऑन करें, अदरवाइज़ को ऑफ ही रखें। डेटा यूज़ होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है फ्रेंड्स, कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं डेटा पे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा है वो मैंने यहाँ पे कुछ कंट्रोल लगा के रखा हुआ है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि डेटा सेविंग मोड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि डेटा सेविंग मोड इज़ ऑन, सम ऐप्स कैन नॉट कंटिन्यू टू यूज़ द डेटा नेटवर्क इन द बैकग्राउंड। यानी कि मैंने अपने इस मोबाइल में कुछ ऐसा सेटिंग्स किया हुआ फ्रेंड्स, जिसके वजह से जो मेरा अनवांटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है, जो भी डेटा, जो भी एप्लीकेशन जो मेरा बैकग्राउंड में रन करता है, उसको सबको मैंने स्टॉप किया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपको जाना है फ्रेंड्स। यहीं पर ही आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी पड़ेगी जिसके वजह से आपका डेटा जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ नीचे में देखिए आपका डेटा सेविंग मोड है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा सेविंग मोड है यहाँ पर ऑन है। अब इसको ऑन करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन केस ऑफ लिमिटेड डाटा ट्रैफिक यू कैन इनेबल डेटा सेविंग मोड टू प्रिवेंट ऐप्स फ्रॉम यूजिंग डेटा इन द बैकग्राउंड। यानी कि अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो मेरा जितना भी डेटा है वो सेविंग मोड में ही रहेगा, जो मेरे फालतू के जो ऐप हैं जो बैकग्राउंड में जो रन कर रहे हैं वो कहीं पर भी वो वर्क नहीं करेगा, और मेरा जो डेटा है वो 100% जो मेरे कंट्रोल में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है अपने डेटा को आप सेव कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।